हाय एवरीवन, जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मैंने होममेड केक बेक किया था और मैंने कैरी किया था अवियान के बर्थडे पे। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मैंने आप सबसे पूछा था इफ यू वांट टू सी द वीडियो कि मैंने कैसे बनाया था। बहुत ही हेल्दी था, जैसे मैंने बताया था मैदा नहीं था, हमने कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं जो बच्चे यूजली फसी ईटर्स भी होते हैं, वैसे भी बड़े भी ऑफकोर्स। तो आपको बाहर से लेने की जगह घर पर थोड़ा सा एफर्ट करके बनाना। तो डेफिनेटली आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो वो दिखाती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं वो वीडियो दिखाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे मैंने बताया, इस मेरी फाइन फ्लावर मैदा नहीं यूज़ किए, ये आटा है हमने लिया है, ये 1 कप लिया है क्वांटिटी, ऑयल हमने लिया है 1/3 कप, मिल्क हमने लिया है 1/2 कप, देन कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और इसके अंदर हमने कॉफ़ी ली है 1/2 टीस्पून। अच्छा थोड़ा फ्लेवर आता है, एनहांस्ड कलर भी होता है तो मुझे पसंद है। ये रहा फिग, हमारा अंजीर, और ये रहे डेट्स खजूर, और साथ में ये थोड़ा हनी लिया है हमने 1/2 कप। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई कंटेनर ले लेना है अपने, ग्लास कंटेनर में हम पहले सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स डालेंगे, जैसे हमने इनको सीव करके डालना है। ये हमने आटा ले लिया है, देन इसके अंदर हमने कोको पाउडर ले लिया है, देन बेकिंग पाउडर, और ये कॉफी। अब इनको हमने अच्छे से सीव करके डालना है ताकि इसमें कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स ना रह जाए, बबल ना रहे, तो इसलिए इन ड्राई इंग्रीडियंट्स को सीव करके डालना है। बाद में आप देखेंगे केक्स में कोई क्रैक नहीं आते हैं इस तरह से हम अगर ये मेथड यूज़ करते हैं, और मिक्सिंग भी प्रॉपर होता है। अगर आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है थोड़ा बैटर स्मूथ करने के लिए, तो आप थोड़ा इसके अंदर मिल्क और ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो। मैं आपको अभी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी इसको मिक्स करने के बाद। बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं चाहिए होता, इस तरह की हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। यू कैन सी दैट। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये हैं डेट्स, ये हैं फिग्स, चॉप कर लिया हमने इनको, इनको भी मिक्स कर लेते हैं जिसका हमारा केक है। इसके अंदर एडिशनल आप चाहते हैं आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं कर सकते हैं, जैसे रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं, बट आई प्रेफर इट दैट वे। इसमें क्या है कि इसका पूरा फ्लेवर एनहांस होता है, निकल के आता है व्हेन यू हैव इट। तो आपको ये इटसेल्फ ही आप देखोगे कि अंजीर और डेट्स ऐसे हैं कि इनका अपना फ्लेवर इतना प्रोमिनेंट है, एंड दे आर सो हेल्दी, कैल्शियम रिच, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच। तो डेफिनेटली बच्चे अगर पिकी ईटर्स हैं ड्राई फ्रूट्स खाने में, दैट्स अ वेरी गुड वे टू हाइड दैट ऑल्सो, बिकॉज केक है तो उसमें वो खा लेंगे। अब थोड़े से ऑयल से हम अपने बेकिंग डिश को ब्रश अप कर लेंगे। ताकि बाद में डीमोल्ड करते टाइम इशू ना हो। ऑयल से लाइन कर लिया है कंटेनर को, और हम इसमें लुकिंग सो इरेजिस्टिबल, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। मैंने माइक्रोवेव 5 मिनट्स पे प्रीहीट करके रखा हुआ है। मैंने माइक्रोवेव 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर दिया था। अब मैं माइक्रोवेव में माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड पे
170 डिग्रीज पे 13 मिनट्स के लिए रख दूंगी। आप अपने माइक्रोवेव में देख सकते हैं 10-13 मिनट्स यूजुअली लग सकता है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी बीच बीच में आप उसको चेक करते रहिए, नाइफ से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो वो स्विंग वाली होती है जो नीडल, उससे आप चेक कर सकते हैं। और वो अगर नहीं लग रहा है, चिपक रहा है, व्हेन इट इज डन तो आप उसको निकाल लेंगे। नहीं, आर यू रेडी टू गेट? अब 13 मिनट्स हो गए हैं, मैंने चेक कर लिया था बीच में नाइफ के साथ, केक बिल्कुल क्लीन आ रहा था। ये आप देख सकते हैं केक रेडी हो गया है। अब ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको आप डीमोल्ड करके डेफिनेटली खाओ, एक एक पीस काट के। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो बेकिंग के टाइम पे जो इसका अरोमा आता है, इट्स इररेसिस्टिबल। आप बहुत इंजॉय करोगे, योर फैमिली और किड्स विल लव इट, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। बेक दिस केक एंड लेट मी नो हाउ यू फाउंड द रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड डू शेयर सच वीडियोज, ये वीडियोज शेयर करिए, तभी ऐसे सब वीडियोज और बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।